गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्सल ट्रस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11 हिंदी मीडियम। बात चल रही थी अपनी 8वें चैप्टर की रेडॉक्स अभिक्रिया, और कल अपन लोगों ने बात की थी कि सर क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ये अपन लोगों ने देख लिया। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, अपन लोग आगे बढ़ा करके कहते हैं कि सर कल अपन ने देखा था ऑक्सीकरण के बारे में, क्या होते हैं ऑक्सीकरण। हमने कहा था सर इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, है ना, पुरानी थ्योरी, है ना, तो अपन ने कहा था कि सर उसके अंतर्गत अगर अपन देखें कि ऑक्सीकरण को अपने किस रूप में समझा के सर, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का बाहर निकलना, हमने ऑक्सीकरण कहा था। आज हम चर्चा करते हैं अपचयन की विधा, तो देखिएगा पहली बार पहली चर्चा यहाँ करते हैं अपचयन क्या है, तो अपचयन के ऊपर पहली चर्चा करेंगे। तो अपचयन को कहेंगे अपन कि सर अगर मैं बात करूं तो कम को पहला कि सर ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा। दूसरी बात करेंगे अपन कि सर हाइड्रोजन का जुड़ना, बिल्कुल उसका ऑक्सीजन का जो है वो अपन अपोजिट बात करेंगे, क्या कहेंगे सर ऑक्सीजन का निकलना, जहां कहीं से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है सर, तो रिएक्शन भी वही करते हैं, देखो ऑक्सीजन का बाहर निकालेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे Zn+O2, ये लीजिए ये बैलेंस, तो जहां पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था हुआ करता था, अब जिंक से ऑक्सीजन निकल चुका है, तो क्या हुआ जिंक का अपचयन हो गया बेटा, समझ में आ गई बात। दूसरी बात करेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखो बहुत अच्छी रिएक्शन बताता हूं, H2+O2 gives H2, ठीक है, यहां से बैलेंस कर लेते हैं ये लोग, H2+O2 gives, यानी ऑक्सीजन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं हुआ करता था, अब उसने क्या किया हाइड्रोजन उसके साथ आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट जो पिछली बार चलाया था अपन ने कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का क्या होना, निकलना, निकलना, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व मैंने कल बता दिए, क्लोरीन क्लोरीन, है ना, ये सारे जो ऊपर बात करो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ब्रोमीन, ये सब कैसे, देखो अपन कहेंगे सर FeCl3 गिव FeCl2+, अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहां से आएगा 2 ये Cl2, ठीक है ना, 4+2 6, ये बैलेंस, यानी देखो आयरन के पास पहले क्लोरीन को जुड़ा, अब यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हुआ क्लोरीन बाहर निकल गया, तो वो भी क्या है आपका यही। चौथा कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था कि सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सोडियम को अपन Na+Cl गिव्स NaCl, लो ठीक है ना, ये 2Na+2Cl 2NaCl कर लो जो है, ठीक है ना, तो इस तरीके से यहां क्या हुआ सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आकर के जुड़ा, तो देखो ये कांसेप्ट क्या कहलाता है आपका, अपचयन कहलाता है। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है, फटाफट से इसको कॉपी में स्क्रीनशॉट के फॉर्म में लिखें ताकि अपन आगे बढ़ सके। चलिए आज अपन बात करेंगे, चलिए इसके बाद बिठा दू, चलिए तो देखिएगा बच्चों अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आज अपन बात करेंगे एक अच्छी नई चीज की, ऑक्सीकरण व अपचायक पदार्थ, क्या पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सर एजेंट क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक पासपोर्ट एजेंट है या एक एलआईसी एजेंट है, तो आप बेटा किसका पासपोर्ट बनाओगे या आप किसका, हम कहेंगे एलआईसी किसकी करोगे? ऐसे थोड़ी रोज उठे खुद की एलआईसी कर ली, हो सकता है क्या? नहीं ना। आप एलआईसी किसकी करते हो? किसी और की। बात समझ में आ रही है? किसी और की एलआईसी कर रहे हो, किसी और का पासपोर्ट बना, यानी कोई बंदा दूसरों की अगर काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? दूसरों के लिए काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। तो वही वाली बात हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे ऑक्सीकार और दूसरी बात करेंगे अपचार, यानी ऐसे पदार्थ। देखिए यहां ऐसे पदार्थ, या लिखता हूं मैं, ऐसे पदार्थ जो क्या करें? अपचयन में मदद करें। अपचयन में मैं लिख देता हूं मदद करें तथा स्वयं का, बहुत अच्छी है, स्वयं का क्या हो जाएगा? स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा। स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। बैठिए बात दिमाग में, क्या कहा? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिडक्शन जो होता है, यानी दूसरों का तो क्या कर लेते हैं? अपचयन करेंगे, लेकिन स्वयं का क्या हो जाएगा? उनका स्वयं का अब ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाता है। ठीक है बेटा। वही अगर बात करें ऑक्सीकार, तो क्या होंगे? तो मैं लिखना हूं, ऐसे पदार्थ जिनका जो अन्य का, या आप कहेंगे ऑक्सीकरण करते हैं तथा स्वयं का अपचयन, स्वयं का क्या कहते हैं? अपचयन करवाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। बात आ गई समझ में? यानी खुद का तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, सॉरी, दूसरों का तो क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण में मदद करेंगे, दूसरों को ऑक्सीकरण में मदद कैसे करेंगे? देखो, दूसरों को ऑक्सीकरण में मदद करेंगे, दूसरों को ऑक्सीजन देकर, दूसरों को पहले पढ़ेंगे, अन्य को, या ऑक्सीजन देकर, ऑक्सीजन देकर, यानी दूसरों को ऑक्सीजन दे देंगे। अगर दूसरों को ऑक्सीजन दी, खुद के पास थी और दूसरों को दे दी, मतलब अन्य का क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो खुद का क्या हो गया? खुद में से ऑक्सीजन निकल गई, तो अपचयन हो गया। दूसरी बात, दूसरों से, अन्य से हाइड्रोजन लेकर, अन्य को बोले तेरे से हाइड्रोजन छोड़ दे और मुझे दे दे, तो खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। अन्य का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। वही अगर बात करेंगे तीसरी, कि क्या कहेंगे? किसे देखो, ऑक्सीजन दी, अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अपन कहेंगे ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, अन्य को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तत्व देकर, यानी खुद में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको दे देंगे? अगले को दे देंगे, ले तेरे पे जोड़ दे भाई, तुझ में जोड़ दे, मतलब तेरा ऑक्सीकरण कर दे, मुझसे छुआ नहीं बनता, मेरा अपचयन छुआ भाई। बात है, भलाई का जमाना कर रहा है ये, वो दूसरे को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देगा, तेरे को ले ले और तू ऑक्सीकरण हो जा, मैं छुआ अपचयन होता। बैठी मैं, और चौथा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट ग्रहण करके, समझ आ रही बात आपको? वही अगर अपन बात करें अपचयन पदार्थ कौन कौन से, पहला कि सर ऑक्सीजन लेकर, यानी किसी और से ऑक्सीजन ले लेगा, तो उससे ऑक्सीजन निकला, मतलब उसका तो रिडक्शन हो गया,
लेकिन खुद ने ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, उसका खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरी बात, हाइड्रोजन देकर यानी अपने में से हाइड्रोजन दूसरों को दे देगा, तो दूसरों में तो क्या हो गया, रिडक्शन, उत्तर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तीसरी बात, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व देकर यहां हो गया इलेक्ट्रो नेगेटिव तत्व लेकर, और चौथा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तत्व देकर। तो अपन कहेंगे कि ये ऐसे तत्व जहां यहां इनमें से कोई शर्त लग जाती है तो वहां ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा, ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ, यानी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ भाई, वापस रिपीट करता हूं, क्या होते हैं अपचायक पदार्थ, जो दूसरों का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण कर लेते हैं। समझ में आएगा, दूसरों का तो अपचयन यानी खुद का क्या कर लेंगे बेटा, ऑक्सीकरण कर लेंगे। और वही ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, तो अन्य का तो क्या करेंगे, अन्य का तो ऑक्सीकरण कर देंगे और खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ये बात समझिए, खुद का तो अपचयन और दूसरों का ऑक्सीकरण, कैसे ये सारे करते हैं। तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कांसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना सर। इसके बाद अपन इसकी मॉडर्न थ्योरी यानी नवीन थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बड़ा बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।